सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आज के सर मैं आपको बताने वाला हूं कि रियल क्रिकेट 21 कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा और कौन कौन से फीचर उसमें आएंगे। क्या मल्टीप्लेयर मोड पर ही फिर से वर्क होगा या फिर कुछ ऑफलाइन फीचर भी आएंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या कुछ आने वाले रियल क्रिकेट 21 और साथ में इसकी बात करेंगे कि रिलीज डेट कब तक रिलीज होगा रियल क्रिकेट 21। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है रियल क्रिकेट 20 लवर्स के लिए। तो चैनल पढ़ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो फाइनल कर देते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रियल क्रिकेट 20 में मल्टीप्लेयर के ऊपर काम होगा या फिर कोई ऑफलाइन फीचर भी आएंगे। तो चलिए कर लेते हैं, इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो रियल क्रिकेट 20 यानी कि जो सचिन सागर कंपनी है वो उन्होंने परचेस कर लिया है रियल क्रिकेट 20 को, यानी कि बॉय कर लिया है। तो वो इस समय पर वो एक नोटलेस मोबाइल जो है वो जैथ सिंथेसिस कंपनी के साथ वो है कोलाबरेशन कर चुके हैं, यानी कि परचेज कर लिया जैथ सिंथेसिस ने रियल क्रिकेट 20 वालों को, यानी कि नोटलेस मोबाइल को। अब यहाँ से ये तो कन्फर्म हो जाता है कि ये जो कंपनी है, ये जो ई स्पोर्ट्स होता है वहाँ पर लेकर जाने वाले हैं इस गेम को, जहाँ पर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं। तो उसके लिए इनको मल्टीप्लेयर के ऊपर काम करना होगा। मल्टीप्लेयर के ऊपर अगर काम नहीं करेंगे तो ई स्पोर्ट्स में ये गेम कभी नहीं पहुँच पाएगी। ई स्पोर्ट्स में गेम को ले जाने के लिए इनको मल्टीप्लेयर के ऊपर काम करना होगा। और आपको पता होगा कि जो एंड्रॉयड क्रिकेट गेमिंग में सबसे बड़ा जो मल्टीप्लेयर है, सबसे बढ़िया मल्टीप्लेयर है, वो रियल क्रिकेट 20 में देखने को मिलता है। और किसी गेम में ऐसा मल्टीप्लेयर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ रियल क्रिकेट 20 में एक ऐसा मल्टीप्लेयर है जहाँ पर आप अपने फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हैं या फिर ओपोनेंट को रैंक्ड मोड अनरैंक्ड सब कुछ यहाँ पर चलता है। सारे के सारे फीचर इसमें मौजूद हैं, मल्टीप्लेयर आप खेल सकते हैं। लेकिन इनको अगर ई स्पोर्ट्स में लेकर जाना है तो इनको मल्टीप्लेयर अपना और भी ज़्यादा अग्रेसिव करना होगा, यानी कि भी ज़्यादा इंप्रूव करना होगा रियल क्रिकेट 20 वालों को अपना मल्टीप्लेयर मोड। तो यहाँ से ये तो कन्फर्म हो जाता है कि मल्टीप्लेयर मोड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है वो वर्क होने वाला है अभी रियल क्रिकेट 21 में। लेकिन इनके पास बहुत ही ज़्यादा जो है वो वर्कर्स हो चुके हैं, तो हो सकता है कि कोई ऑफलाइन फीचर तो आपको देखने को कम ही मिलेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा इसमें ऑफलाइन फीचर मिल जाते हैं आपको, मास्टर कप देखने को मिल जाता है, एशिया कप, सभी टूर्नामेंट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तक कि अभी तक किसी भी गेम में जो नहीं है वो T10 लीग, वो इस गेम में देखने को मिल जाती है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, जो रियल क्रिकेट 20 में T10 लीग है वो आपको देखने को मिल जाती है। एंड और भी बहुत सारे फीचर ऐसे जो किसी भी गेम में नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देखिए वेस्ट इंडीज़ प्रीमियर लीग होगी, अब तक किसी भी क्रिकेट गेम में नहीं है, इस गेम में आपको देखने को मिल जाती है। एंड रोड टू RCPL इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं आपको देखने को मिल जाता है। कंपेयर मोड का टूर्नामेंट हो गया, जो कि आप अपने हिसाब से अपने किसी दूसरे टूर कर सकते हैं, वो टूर्नामेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और भी बहुत सारे फीचर है जो कि मुझे याद तो नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देखने को मिल जाती है एंड वर्ल्ड कप वो सिलेक्टर्स मीटिंग वाला देखने को मिल जाता है। एंड बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स और भी, एंड कॉम्बो पैक्स देखने को मिल जाते हैं कमेंट्री पैक्स में, ऑफलाइन में बहुत ही अच्छे फीचर है। लेकिन मल्टीप्लेयर में इनको काम करना होगा अगर ई स्पोर्ट्स में लेकर जाना चाहते हो तो। रियल क्रिकेट 20 में हो सकते कि आपको कोई भी ऑफलाइन फीचर देखने को मिले या ना मिले, लेकिन मल्टीप्लेयर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है, मैं लिख कर दे सकता हूँ। क्योंकि ई स्पोर्ट्स मिले जाने के लिए आपको मल्टीप्लेयर इंप्रूव करना होगा, और अगर आप मल्टीप्लेयर इंप्रूव नहीं करोगे आप कभी भी ई स्पोर्ट्स के अंदर नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट के लिए आपका जो मल्टीप्लेयर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड ये अब यही थे कुछ मल्टीप्लेयर के ऊपर कि मल्टीप्लेयर के ऊपर काम होगा या नहीं होगा। यहाँ से ये तो बात कंफर्म हो जाती है कि अगर ई स्पोर्ट्स में गेम को लेकर जाना चाहते हो तो आपको मल्टीप्लेयर के ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप ई स्पोर्ट्स में इस गेम को कभी नहीं ले जा पाओगे। एंड मल्टीप्लेयर को और भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं किसके रियल स्टेट क्या होने वाली है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि रियल क्रिकेट 20 की सीरीज चली आ रही है, रियल क्रिकेट 16 आया, फिर उसके बाद 17 आया, फिर उसके बाद 18 आया, फिर उसके बाद 19 आया, एंड फिर उसके बाद 19 को 20 में कन्वर्ट किया गया। तो आपको पता होगा कि जो सीरीज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, एंड ये जो सीरीज़ है यहाँ पर रियल क्रिकेट 21 में भी कन्वर्ट होगी। ये भी बिल्कुल कन्फर्म है। यहाँ पर ये बता दें कि रियल क्रिकेट 21 कब तक आएगा। तो अभी आपको कोई भी न्यूज़ नहीं है यहाँ पर, सभी के सभी अपना ओपिनियन बता रहे हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पक्का बता देता हूँ, ये जो रियल क्रिकेट 21 है यहाँ पर फरवरी के एंड मिड से लेकर आपको 2021 के फरवरी के मिड से लेकर, यानी कि 15 फरवरी से लेकर मार्च के एंड, बिल्कुल मार्च के 31 मार्च तक आपको प्ले स्टोर के ऊपर यहाँ पर इसका रियल क्रिकेट 21 देखने को मिल जाएगा। ब्रांड न्यू क्रिकेट गेम आपको इन्हीं दिनों में देखने को मिलता। अभी जो रियल क्रिकेट 20 आया था वो 7 फरवरी को आया था, वहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं। एंड रियल क्रिकेट 19 5 अप्रैल को आया था, एंड रियल क्रिकेट 18 शायद से 16 अप्रैल को आया था। यही थे
एंड रियल क्रिकेट 17 का मुझे पता नहीं, एंड रियल क्रिकेट 16 का भी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि रियल क्रिकेट 27 फरवरी को लॉन्च हुआ था प्ले स्टोर के ऊपर, 3:30 बजे का टाइम था वो मुझे अभी तक याद है। एंड रियल क्रिकेट 21 यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि फरवरी में आया था रियल क्रिकेट 20। ऐसे एक बात तो कन्फर्म हो जाती है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 मंथ के अंदर अंदर आपको रियल क्रिकेट 21 देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर। तो यही थी आज की वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगे डिसलाइक मार देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।